नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपको बता दें कि रथ में आज मैनपुरी पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने सबके साथ सैनिक स्कूल पहुंचे और साथ ही सैनिक स्कूल में पहले से ही तय कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ विजय रथ में आए थे। इस मौके पर मैनपुरी की पहली महिला सांसद और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव भी, उनकी बेटी टीना के साथ पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल है होता है उनकी आत्मा मर जाती है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन रहे हैं, आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिली थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। और बता दें कि आपको मैनपुरी में अखिलेश यादव पहुंचे थे। बता दें कि इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी और साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि मैनपुरी में ये अखिलेश यादव यहां पहुंचे हैं। यहां पर बता दें कि एक सैनिक स्कूल में तय कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है और साथ ही इस मौके पर उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी उनके साथ मौजूद रही, साथ ही उनकी बेटी भी मौजूद रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने, जब वे वहां से निकल रहे थे उस दौरान उन्होंने एक जगह रुककर उन्होंने खाना खाया और साथ ही ये उस सैनिक स्कूल की तस्वीर जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं। बता दें कि इस बार अखिलेश यादव रथ में पहुंचे थे और इसके दौरान उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। मौके पर डिम्पल यादव और उनकी बेटी भी मौजूद थी। साथ ही बता दें कि ये विजय रथ, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण यादव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से अखिलेश यादव पहुंचे थे, किस कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान कैसे लोगों में उत्साह देखने को मिला? अरुण जी, देखिए मैं आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार की दुकान NMB पर, जहाँ उन्होंने विद फैमिली वहाँ पर नाश्ता किया, टिक्की पड़ाके खाए, जहाँ भी उन्होंने काफी उत्साह था, वो अपनी विजय रथ यात्रा लेकर आए थे मैनपुरी में। जी अरुण, इस दौरान अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी, तो जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वो सैनिक स्कूल में पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने आए थे, वहाँ इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकती हैं, अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ विजय रथ में आए थे। वहीं नारायण मिष्ठान भंडार तो उन्होंने बने कई व्यंजनों का स्वाद लिया, आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें बेहद खास हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी में पहली बार पहुंचे थे नारायण मिष्ठान भंडार पर, जहां उन्होंने स्वाद लिया। अरुण, इस दौरान अखिलेश यादव रथ में पहुंचे हुए नजर आए थे, तो इस रथ का क्या महत्व जाने हम? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नगर पहुंचे अखिलेश यादव में, सबसे पहले रथ लेकर पहुंचे, जहां तक कि जीत का जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी की, ऐतिहासिक जीत हुई है, उसको लेकर उन्होंने विजय रथ यात्रा निकाली थी मैनपुरी में, जहां पर उन्होंने सबसे पहले सैनिक स्कूल पहुंचे, उसके बाद में नारायण निष्ठा में, और उसके बाद शहर से होते हुए वो पहुंच गए थे यहाँ पे, इस पैसे वापस चले गए थे। जी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा से विधायक हैं, आज अपने परिवार के साथ नगर पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने चाट चौपाटी की और उसके बाद भी पत्रकारों से रूबरू हुए, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कई बड़े बयान दिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और यहाँ तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होता है उसकी आत्मा भर जाती है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है, पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बताया है कि केशव प्रसाद मौर्य आए हमारी पार्टी में, 100 विधायक लेकर आए, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। जी
बिल्कुल, शुक्रिया आपका। अरुण यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता दें आपको कि मेनपुरी अखिलेश यादव पहुंचे, उनके साथ उनकी धर्म पत्नी और उनकी बेटी भी मौजूद थी रथ में। वो इस दौरान वे पहुंचे हुए थे मेनपुरी, जिस दौरान बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अमेठी जनपद के बता दें कि तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इमरान बता दें कि इलामरान में शुल्क बाजार थाने में औचक निरीक्षण किया है और साथ ही थाना परिसर में स्वच्छता का सराहना किया है। उन्होंने कहा है कि जहां देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहीं हम सभी कर्मचारियों का भी दायित्व है। महिला हेल्प डेस्क सहित पूरे थाना परिसर का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया, करते हुए उन्होंने कंप्यूटर कक्ष, माल खान जैसे सभी जगहों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कर्मचारियों को क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, साथ ही आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बराबर रहना चाहिए। साथ ही थाना अध्यक्ष तरुण पटेल ने बताया है कि SP अमेठी डॉक्टर इलामरन ने आज थाने का औचक निरीक्षण किया है और साथ ही थाना परिसर में साफ सफाई और साथ ही फरियादियों की बैठने उठने की जगह को लेकर, सुविधा आदि को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया और तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। हरदोई के मलावा में प्रख्यात शिक्षाविद और साथ ही लोकतांत्रिक सेनानी शिवराज सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों मरीजों का परीक्षण कर दवा दी गई है। साथ ही दिव्य आलोक सेवा फाउंडेशन की तरफ से विकलांगों को भी ट्राईसाइकिल और साथ ही गरीबों को कंबल वितरण किए गए। यहाँ पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि पहले भारत को दुनिया में गरीब और बीमारू देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नेतृत्व किया है पूरी दुनिया की निगाहें हमारे तरफ है और सब जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा ट्राईसाइकिल इंजीनियर डॉक्टर भारत में ही हैं। वहीं शिविर का शुभारंभ वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने किया है और साथ ही दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह की सादगी लोगों को काफी प्रभावित करती है, उनके अंदर अहंकार थोड़ा भी नहीं है। कहा कि उनके पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से गरीब मरीजों की सेवा करना सराहनीय कार्य है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, जिस तरीके से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान कौन कौन से बड़े चेहरे वहां देखने को मिले? जी, आपको बताते चलें, ये हरदोई के मल्लामा में प्रख्यात शिक्षाविद एवं लोकतांत्रिक सेनानी स्वर्गीय शिवराज सिंह की चौथी पुण्यतिथि थी। उसी में जो है सुरेश खन्ना और विधानसभा अध्यक्ष सुरेश राही, करीब लगभग चार मंत्री जो है हरदोई में आए थे, जो उनको जो है पुण्यतिथि सभा में दीप प्रज्वलित कर और उनको जो है वो श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद में जो है ट्राईसाइकिल वगैरह जो थी वो भी बांटी गई है। जी आसिफ, जिस तरीके से लोकतांत्रिक सेनानी शिवराज सिंह के हर पुण्यतिथि पर ऐसे ही कुछ ना कुछ शिविर का आयोजन होता है? जी हाँ, बताते चले, ये हर साल जो है अधिकतर मंत्री भी आते हैं, पिछली बार भी कई मंत्री आए थे, और हर साल जो है कार्यक्रम बदल बदल के कार्यक्रम होते हैं, शिविर लगाए जाते हैं। उसी के चलते कल भी जो है शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें ट्राई साइकिलें भी बांटी गई थी और अन्य भी कार्यक्रम हुए थे। आसिफ, इस मौके पर कितने मरीजों का परीक्षण हुआ और कितने मरीजों को दवाई दी गई? लगभग उसमें करीब काफी संख्या में मरीजों को जो है दवाई भी दी गई है और परीक्षण भी किया गया है। मोहम्मद आसिफ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि हरदोई की ये तस्वीर है जहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि लोग इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद थे, साथ ही लोकतांत्रिक सेनानी शिवराज सिंह की चौथी पुण्यतिथि थी, जिस मौके पर ये शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान तमाम मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई।
सहारनपुर के रामपुर मनिहारन भारतीय किसान यूनियन अराजकता ने बिजली विभाग के बता दें कि XEN दफ्तर का घेराव किया। वहीं किसान XEN मनीष यादव द्वारा भाक्यू आर्जनैतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह का अपमान किए जाने पर नाराज है, जो कि बता दें कि कार्यालय पर पहुंचे थे लेकिन वे उन्हें दफ्तर में नहीं मिले, जिसके बाद से आक्रोशित किसान दफ्तर में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को बंधक बनाकर धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि कर्मचारियों ने एक्शन को फोन पर सूचना दी तो उन्होंने एक्शन ने मौके पर आने से मना कर दिया। आक्रोशित किसानों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक्शन के मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए। सूचना पर आनन फानन में कोतवाली प्रभारी विनय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया। किसानों का कहना है कि जब तक बिजली विभाग कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता तब तक धरना जारी रहेगा। सहारनपुर के थाना सरसावा बाईपास कट पर CIS के बता दें कि सहयोग से बड़े वाहनों का रिप्लेटर लगाया गया है। बता दें कि सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान CIS के प्रयासों की सराहना की गई। साथ ही सहारनपुर में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने स्वयं भी वाहनों के रिप्लेक्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया है। यूपी के फतेहपुर में 15 दिन का वेतन ना दिए जाने से नाराज जिले भर में शिक्षा मित्रों ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा शिक्षक संघ के बैनर तले बता दें कि नहर कॉलोनी में एक दिवसीय धरना दिया है और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। धरने पर बैठे शिक्षा मित्रों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल जिला मुख्यालय स्थित नहर कॉलोनी परिसर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष सुनील तिवारी के नेतृत्व में जिले में सभी 13 ब्लॉकों में आए शिक्षा मित्रों ने वेतन की मांग करते हुए एक दिवसीय धरना दिया। जिला अध्यक्ष सुनील तिवारी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों ने 1 जनवरी को से 15 जनवरी तक का वेतन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर जिले में सभी 13 ब्लॉकों से शिक्षा मित्र इकट्ठा होकर धरने दे रहे हैं। वेतन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि 15 दिन का वेतन जो काटा गया है वो वेतन उन्हें उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही उनका ये कहना है कि इस वेतन के नहीं मिलने से उनके परिवार चलाने में उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये फतेहपुर की खबर है, जहां पर बता दें कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से शिक्षा मित्रों का ये धरना है और लगातार ये मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है उन्होंने, और साथ ही बता दें कि बड़े आंदोलन की भी चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। बता दें कि यूपी के फतेहपुर में 15 दिन का वेतन ना दिए जाने को लेकर ये शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बबलू सिंह जुड़ गए हैं और संवाददाता है हमारे फतेहपुर से। और बबलू, जिस तरीके से ये शिक्षा मित्रों ने धरना दिया है, आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांग रही है? जी, आपको बता दें कि शिक्षा मित्र धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि जिस तरीके सरकार सामान कार पर सामान वेतन देने की बात कर रही है और वो भी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन उन्हें पर उसी कार्य के लिए वेतन सामान्य रूप से नहीं दिया जा रहा, एक तो ये किया जा रहा है सरकार द्वारा उनके साथ अन्याय। वहीं उन्हें 15 दिन का वेतन न मिलने से उनके बच्चों सहित घर परिवार चलाने में भी काफी दिक्कतें आ रही, क्योंकि उनका 10,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, जिससे वो अपने घर सहित अपना खर्चा चलाते हैं और स्कूल तक आने जाने का वाहन भी उसी पैसे से करते हैं। वहीं जिला अध्यक्ष ने बताया कि अगर यह संकेतित धरना है और इस मामले को लेकर वह लखनऊ तक पहुंचेंगे और लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा मित्रों के साथ जो यह अन्याय सरकार कर रही है, इसका वह चुनाव आने के समय सरकार को जवाब देंगे। बबलू, जिस तरीके से ये शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं, इस दौरान क्या वहां पर कोई समाज सेवी या कोई बड़े अधिकारी पहुंचे जिन्होंने उनको कोई आश्वासन दिया हो या किसी तरह की कोई बात कही हो? जी, मैं बताना चाहूंगा, अधिकारी वहां पर पहुंचे, उप जिला अधिकारी फतेहपुर से वहां पर नहर कॉलोनी धरना स्थल तक पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन दिया कि उनका ज्ञापन पहुंचाया जाएगा और उनकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाएगी, जिस पर
जिला अध्यक्ष ने कहा कि वह एक शिक्षक है और शिक्षकों का यह धरना है, वह शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वह शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, ना वो रोड जाम कर रहे हैं, एक सांकेतिक धरना है, एक जीओसी जी, और अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वह धरने को लेकर लखनऊ आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया बबलू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरदोई में जिला प्रशासन की मदद से पुलिस के 4 गैंगस्टर की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें कि दुर्दांत गैंगस्टर 8 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें गैंगस्टर मोहम्मद हसीपुर, छोटे गांजी समेत चारों शामिल बताए जा रहे हैं। थाना टडियावा के साथ निवासी गैंगस्टर छोटे गांजी और उनके भाइयों की संपत्ति को डीएम के आदेश पर यह कुर्क किया गया है। इसमें आवास, कृषि योग्य भूमि, वाहन समेत 29 संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क किया है। छोटे गांजी और साथ ही उनके भाइयों के खिलाफ हत्या, लूट और दुष्कर्म के कई मामले दर्ज हैं। टडियावा के दुर्दांत अपराधी मोहम्मद हसीफुर छोटे गांजी और उसके 3 साथी गैंगस्टर एक्ट में बंद थे। इनके विरुद्ध हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराध दर्ज थे। इसी क्रम में जिलाधिकारी हरदोई द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी 29 संपत्तियां, जिसमें कई खेत, प्लॉट और मकान हैं, साथ ही साथ 6 वाहन इन सभी गैंग मेंबर्स के कुर्क करने के आदेश दिए गए। इनको अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी एवं SDM सदर द्वारा भारी पुलिस बल के साथ आज कुर्क किया गया है। इन सभी संपत्तियों का मार्केट वैल्यू लगभग 8 करोड़ रुपए से अधिक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, जिस तरीके से ये 4 गैंगस्टर के 8 करोड़ की संपत्ति को जो कुर्क किया गया है, इस मामले को लेकर क्या कुछ कारण रहा है जो इन गैंगस्टर के संपत्तियों को कुर्क किया गया है और इन गैंगस्टर पर और क्या क्या आरोप है? जी, आपको बताते चलें, ये 4 गैंगस्टर जो हैं, इन पे विभिन्न कईयों मामले इन लोगों के ऊपर चल रहे थे, जिनकी करीब 29 संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क किया है, जिसमें छोटे गाजी हैं और उनके भाइयों के खिलाफ हत्या, लूट और दुष्कर्म के मामले दर्ज थे। गैंगस्टर की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क किए जाने के मामले में वही एसपी का कहना है कि कार्रवाई की गई और इनकी 29 संपत्तियों को डीएम के आदेश पर कुर्क किया गया। आसिफ, इस दौरान गैंगस्टर की संपत्ति जिस तरीके से कुर्क कहने की बात आपने कही है, इन गैंगस्टरों के लेकर इनके मतलब कहां कहां की इनकी संपत्ति थी जिसको कुर्क किया गया है? सिर्फ घर की संपत्ति की गई है या इनके जितनी भी संपत्ति है अब तक सारे कुर्क कर दिए गए हैं? जी, इनकी अधिकतर जितनी भी संपत्ति थी वो सारी ही कुर्क की गई है, जिसमें गाड़ियां वगैरह भी हैं, मकान भी हैं और अन्य भी जो भी चीजें हैं वो भी सारी संपत्ति जो थी वो सब कुर्क की गई। कुल मिला के 29 संपत्तियां जो थी इनकी वो सभी कुर्क की गई हैं। जी, और आसिफ, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं इनकी जितनी भी संपत्ति है वो कुर्क हो गई है, अब इनके बाद इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी प्रशासन की तरफ से? अब प्रशासन की तरफ से यही कार्रवाई होगी कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद इनको जो है जेल भेज दिया जाएगा और बाकी अन्य जो तथ्य इनके खिलाफ मिलेंगे वो भी उसके आधार पर भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए आसिफ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें कि हरदोई की ये तस्वीर है जहां पर बता दें कि 4 गैंगस्टर की 8 करोड़ की ज़्यादा संपत्ति जो है वो कुर्क कर दी गई है और जिसको लेकर जिला प्रशासन की मदद से ये संपत्ति कुर्क की गई है। और बताया ये जा रहा है कि इन 4 गैंगस्टरों पर तमाम तरह के आरोप थे, चाहे वो दुष्कर्म हो या कई तरह के आरोप इन पर थे, जिसके बाद से डीएम की तरफ से ये आदेश दिया गया और इस दौरान इनकी सारी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। आगे इस मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इनसे तमाम तरीके की पूछताछ की जाएगी। बता दें कि हरदोई की ये तस्वीर जहां पर 4 गैंगस्टर की 8 करोड़ की ज़्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है और इस दौरान अब उन चारों गैंगस्टर की गिरफ्तारी होगी और उनसे अब पूछताछ की जाएगी।
आगरा में सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है। बता दें कि वीवीआईपी रोड पर यह कार्य चल रहा है रंग में। इस दौरान आगरा के बता दें कि जिसमें G20 के मेहमान स्वदेशी पहुंचने पर भारतीय की तारीफ कर सकें। वहीं G20 में दरमियान आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी रोड पर रंग में नजर आएंगे। साथ ही बता दें कि G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों को मेहमान नवाजी के लिए अभी से ही कवायद शुरू कर दी गई है। शहर का सौंदर्यकरण किया जा रहा है और जो भी कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। खेड़िया मोड़ चौराहे पर जाम मुक्त होगा। वही रेलवे ओवरब्रिज जो कि जर्जर अवस्था में है उसे दुरुस्त किया जाएगा। आप तस्वीरों में देखिए, ये आगरा की तस्वीर है जहां पर बता दें कि सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है और वीवीआईपी के आने को लेकर ये सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है, जहां पर तमाम लोग वहां मौजूद हैं और इसको लेकर उनके स्वागत में G20 को लेकर उनकी जो स्वागत की जाएगी इसको लेकर यह आगरा में सौंदर्यकरण का कार्य हो रहा है। देखिए, जो G20 सम्मेलन हमारे देश में हो रहे हैं उसी क्रम में आगरा में भी फरवरी के द्वितीय सप्ताह में एम्पावर इंस्ट्रक्शन मीटिंग होना है। इसके अलावा माह सितंबर में भी मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग होना है। तो उसी के संबंध में जो व्यवस्थाएं तैयारियां हैं उसके लिए, जिससे जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका अनुभव अच्छा रहे और हमारे देश में जो अच्छे अच्छे काम हुए उनके सामने प्रदर्शित किए जा सकें, उसी के संबंध में सभी विभाग सभी अधिकारी हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं और जिससे कि समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। देखिए, G20 का समिट अभी होने वाला है और हमारे विभिन्न शहरों में, 4 शहरों में, हमारे प्रदेश में भी जगह जगह अलग अलग मीटिंग्स हैं और सेकेंड फेज में भी अलग अलग जगह पर मीटिंग्स होंगी। उसी को लेकर आज हम सभी अधिकारी, कमिश्नर, मैं और DM साहब और बाकी हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर और ADA के भी ऑफिसर, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग अपने इस क्षेत्र में देख के कि क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए, कहीं कोई इस तरह कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं और जो हमारी लोकल पब्लिक है उनकी भी जनभागीदारी अच्छी रहे, वो भी इस पूरे इवेंट को इंजॉय कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम के, और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको भी किसी तरह की सुविधा ना। बुलंदशहर में प्रशासन की सक्रियता बढ़ते हुए एक अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री को जब्त किया है। साथ ही घटना में शामिल एक शातिर बदमाश शाहिद थाना, बता दें कि सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर को कब्जे में लेकर अवैध शस्त्र, कारतूस और शस्त्र बनाने वाले सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस दौरान बता दें कि ये बुलंदशहर में अवैध कारतूस बनाने वाले शस्त्र फैक्ट्री को खुलासा करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।